देखिए, कुछ भी अच्छा अच्छा सोचा गया तो नहीं होता। न मालूम कितनी बकाए होने को अच्छे अच्छे हैं और ये बकाया बार बार बढ़ता चला जाता है। और जो कुछ भी हम कल्पना में जैसा सोचते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वह इस संसार का बिल्कुल उल्टा होता है। तो ज्यादातर समय इस संसार से जब ऊब होती है तो मन में बसे हुए उल्टे संसार में बस जाने का कभी कभी तो बहुत मन होता है और बस भी जाते हैं। मेरा ख्याल है कि फिर लौट करके आना, मन के संसार से बस करके लौट करके इस संसार में आने का जो रास्ता बनता है वही लिखने का रास्ता होता है, जिसे मैंने पाया, मुझे ऐसा लगता है। और कई बार संभवतः हम समानार्थी भी होते हैं और कई बार विरुद्धार्थी भी होते हैं। ये बहुत मुश्किल कि परिपक्व होना कब शुरू हुआ और समझदारी कब आई, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी भी आई कि नहीं आई, ये भी मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं उसका लेखन से संबंध जोड़ें तो मैं हिंदी का कभी भी अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा और हिंदी में मैं प्रायः बहुत कम नंबर पाता था। और मैट्रिक पास करने के बाद साइंस कॉलेज में चाचा जी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो साइंस कॉलेज में मैं भर्ती हुआ। लेकिन वहाँ मैं केमिस्ट्री और हिंदी निबंध में फेल हो गया, क्योंकि दो विषयों में फेल हुआ था, इसलिए मुझको सप्लीमेंट्री नहीं मिली और मैं डॉक्टर नहीं बन सका। कल्पना का यथार्थ तो जीवन के यथार्थ से बचने का रास्ता है। जब कुछ भी बस में नहीं होता तब कल्पना तो बस में होती है। और इस जो जो हमारे बस में है, जो कल्पना हमारे बस में है, वो हमें बहुत दूर दूर तक जाने में रोकती नहीं। हम चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। जिंदगी को ना बचा पाए भाग कर, लेकिन सोच को तो बचा लेते हैं। लेकिन तब भी कल्पना उस तरह का यथार्थ नहीं है। लेकिन आप जितने जीवन के यथार्थ के संपर्क में जैसे जैसे आते हैं, मुझे लगता है कि आप अत्यधिक काल्पनिक भी होने लगते हैं। और मुझे याद नहीं आता है सपने देखना। मुझको लगता है कि मैं जो सपने भी देख रहा हूँ, मैं लगता है कि आंख मूंद करके जागते हुए शायद मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो हमारी कल्पना ही है। सपना का कहीं ना कहीं से थोड़ा सा संपर्क संबंध जो बनता है वो याद आने से भी बनता है। एक तो जो सचमुच हुआ उसका कुछ याद आया, जिसमें कुछ कल्पना भी लिपट कर आ गई हो, उसके साथ में सन करके आ गई हो कल्पना भी। लेकिन जो नहीं हुआ है
उसे भी याद किया जा सकता है। होने को याद किया जा सकता है, हो सकता है को याद किया जा सकता है। तो यह भी शायद कोई रात का सपने का कुछ बनता हो, और उसके साथ भी कहीं ना कहीं से कल्पना जो है जुड़वा की तरह उसके साथ में होती है, एक संगी की तरह, एक ऐसे जुड़वा की तरह जिसको शारीरिक रूप से अलग करने के लिए संभवतः किसी प्रकार का रचनात्मक ऑपरेशन करना पड़े, जैसे दो शरीर जुड़े हुए होते हैं उसी तरह। मुझको लगता है कि मैं जो स्वप्न देखता हूँ वो दरअसल मैं याद करता हूँ। और क्योंकि मेरा स्वभाव भुलक्कड़ी का स्वभाव है, मैं चीज़ों को भूलता ज़रूर हूँ, और सपना चूँकि टुकड़ों टुकड़ों में और टुकड़ों में थोड़े थोड़े समुच्चय में होता है, तो शायद उसका एक दूसरे के साथ में उस तरह का संबंध नहीं बनता। सपना कोई इसीलिए सिलसिला नहीं होता है, और वह टुकड़ों टुकड़ों में एक ऐसी याद है जो जिस दिन नींद में है उस दिन होती है, और जागने के बाद में वो पूरी तरीके से फिर से भुला दी जाती है। देखिए, प्रत्येक रचना की रचना प्रक्रिया उसके साथ होती है, रचना के समाप्त होते ही उस रचना की रचना प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि एब्सोल्यूट पाठक वही होता है कि जो रचना प्रक्रिया से जिस रचना में जो रास्ता बनता है ठीक उसी रास्ते पर वह चल रहा होता है, लेकिन एब्सोल्यूट पाठक कभी होता नहीं, क्योंकि रचना प्रक्रिया इतनी तात्कालिक होती है रचना के संबंध में। रचना तो शाश्वत हो सकती है, लेकिन रचना प्रक्रिया बहुत तात्कालिक होती है, लेकिन रचना प्रक्रिया बहुत सोच समझ करके की हुई तैयारी की प्रक्रिया है जो बहुत अनजाने में शुरू होती है। अनजाने में इस लिहाज से कि आप रचना को तो जानते ही नहीं हैं, जिसे होना है आप उस होने को जानना चाहते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए आपके पास में, दूसरों के पास में तो सबसे पहले शब्द होते हैं, भाषा होती है, लेकिन मेरे साथ में इसकी शुरुआत करने के लिए दृश्य होते हैं। मैं भाषा में सोच नहीं पाता, मैं दृश्य में सोचता हूँ। मुझे क्या दिख रहा है, रचना को की शुरुआत को मैं किस तरह से देख पाता हूँ, मैं उसे देखता हूँ, और उसके बाद उसे मैं भाषा में लिखने की कोशिश करता हूँ, और देखे हुए को करीब करीब हूबहू करने की कोशिश करता हूँ। और ये बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है, और दूसरे यहाँ से आसान भी, क्योंकि कोई ठीक आपके सामने बैठा हुआ है, एक पूरी की पूरी घटना आपके सामने बैठी हुई है जिसका बहुत शुरुआती हिस्सा आपको दिख रहा है, और आप उसे भाषा में बना रहे हैं, उस घटना को होने के लिए घटित कर रहे हैं, वो आपके शब्दों और आपकी भाषा के द्वारा ही घटित हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अच्छा भास देता है इस तरह की बात। तो रचना जो प्रक्रिया है, अगर प्रत्येक रचना के समास के साथ साथ वो रचना प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है, अगर प्रत्येक रचना की रचना प्रक्रिया एक होती है, तो रचना सांचे में है ये मान लेना चाहिए। सारी रचनाएं एक सांचे की तरह होंगी,
इसलिए कंप्यूटर से रचना करना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर लोग करते हैं कि हम कंप्यूटर से कर लेते हैं, कंप्यूटर से रचना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कंप्यूटर से अगर आप रचना कर रहे हैं तो एक रोबोट ही कर सकता है, एक मनुष्य नहीं कर सकता है। और आप किसी भी कंप्यूटर को उतना शक्तिशाली नहीं बना सकते कि प्रत्येक रचना की उसकी अपनी प्रक्रिया, या कोई हो ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण होता हो कि अपनी रचना प्रक्रिया के साथ में प्रत्येक रचना वो दे सके, ऐसा मुझे थोड़ा मुश्किल का काम लगता है। एक मनुष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसकी भी अपनी सीमाएँ होती हैं हर दृष्टि से। और इस सीमा का अतिक्रमण जो बार बार जो किसी भी रचना का जो करता है, दरअसल वो स्मृति है। स्मृति विहीन दूसरी की रचना से को अपनी स्मृति से हटा करके ही नई रचना की जा सकती है।